हालांकि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वो सीबीआई या पुलिस किसी से भी जांच के लिए तैयार है। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष पर इन गंभीर आरोपों पर अब जवाब आया है। ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि उन पर लगाए गए तमाम आरोप बेबुनियाद हैं। ये जो खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं, दरअसल वो कोई भी नेशनल कैंप करना नहीं चाहता है। वो सभी अपने आप को इंटरनेशनल प्लेयर समझते हुए सिर्फ इंटरनेशनल कैंप के लिए ही तैयारी करने की बात करते हैं और अपने ऊपर लगाए गए तमाम आरोपों को लेकर कहा कि कोई भी जांच करवा ले, मैं जांच से पीछे नहीं हटूंगा। सबसे बड़ा जो आरोप विनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए? कोई सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने कि सांसद जी ने, ब्रजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है। सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। और देखिए, खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाया है उस पर जो सफाई दी जा रही है, अब इस पर पूरा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। पूरी जानकारी देने के लिए जैनेन्द्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। जैनेन्द्र, कुश्ती संघ पर खिलाड़ियों ने बहुत गंभीर आरोप लगा दिए हैं और खास करके कुश्ती संघ के अध्यक्ष के ऊपर भी। अब सवाल यह है कि एक तो इस तरह की बातें पहले भी कई बार सुनने को मिलती रही हैं, लेकिन अब विवाद और गहराएगा क्योंकि ब्रजभूषण सिंह सांसद भी हैं बीजेपी के। बिल्कुल, देखिए, ब्रजभूषण सिंह का जो कद है वो न सिर्फ कुश्ती संघ यानी खेलों में बल्कि सियासत में भी काफी बड़ा है। सत्ताधारी दल के नेता हैं और उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चेहरा है। ऐसे में जिस तरीके से उन पर गंभीर आरोप लगे हैं, वो मुश्किलों में घिरे हुए हैं। हालांकि वो खंडन कर रहे हैं तमाम आरोपों का, लेकिन जिन सबूतों की उन्होंने बात की, यौन शोषण के आरोपों पर उन्होंने जो जिस तरीके से कहा कि कोई सामने तो आए, इस पर खिलाड़ियों ने यह जवाब दिया कि उनके पास सभी सबूत हैं और जरूरत जब पड़ेगी तो उचित फोरम पर वो सबूत भी पेश करेंगे। तो विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, ये देखिए, ये बड़े नाम है कुश्ती के। एशियाई सीडब्ल्यूजी और बजरंग पुनिया तो ओलंपिक खेलों में पदक जीत चुके हैं, तो ये बड़े चेहरे हैं और इन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। शुरुआत इन्होंने आरोपों की अनियमितताओं से की, लेकिन बात आगे तब बढ़ गई जब उन्होंने ये कहा कि कई महिला खिलाड़ियों का शोषण तक कर चुके हैं। हालांकि जिनका शोषण हुआ है वो स्वयं सामने नहीं आई हैं और ना ही खिलाड़ियों ने ये बताया है कि ये कब हुआ, वाकया किस तरीके से हुआ, ना ही पुलिस में कोई शिकायत अब तक दी गई है। तो नजरें इस बात पर रहेंगी कि एक तरफ तो खेल मंत्रालय की जांच शुरू हो गई है, जवाब मांगा गया है, दूसरी तरफ क्या इन खिलाड़ियों से के पास भी खेल मंत्रालय पहुंचेगा और क्या इनसे भी विधिवत लिखित शिकायत देने को कहेगा, इस पर नजरें रहेंगी। खेल मंत्रालय एक्शन में है, लेकिन खिलाड़ियों का कहना है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन खिलाड़ियों का कहना है कि जब तक पद से नहीं हटते ब्रजभूषण सिंह, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कल रात पुलिस की अनुरोध के बाद खिलाड़ी जंतर मंतर से चले गए थे, लेकिन उनका यह कहना था कि अगले दिन सुबह यानी आज सुबह एक बार फिर वो जंतर मंतर पर जुटेंगे अपनी मांगों को तेज करने के लिए। जी जनरल, एक बात और बताइए, क्योंकि कल से जब से ये खिलाड़ी जंतर मंतर पर मौजूद थे, लगातार जब भी मीडिया से बात कर रहे थे, इन सबकी मांग थी कि अपनी बात पीएम मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं, पीएम मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं ताकि उनके सामने सारी बातों को रख सकें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल और खिलाड़ियों को किस तरह से बढ़ावा देते हैं हम सब जानते हैं, खेल मंत्रालय ने जिस तरह से संज्ञान लिया वो भी हम देख रहे हैं। तो क्या आज या कल में इनकी मुलाकात हो सकती है इन खिलाड़ियों के प्रधानमंत्री से? कुछ इस तरह का इनपुट कहीं से मिल रहा है? देखिए, फिलहाल तो इस तरह के कोई संकेत नहीं है, लेकिन ये बात जरूर मैंने खुद भी पूछी थी कि आप लोगों की पहुंच तो प्रधानमंत्री कार्यालय तक है, प्रधानमंत्री तक है, तो फिर आपको ऐसे क्यों प्रदर्शन करना पड़ रहा है? इसका जवाब विनेश फोगाट ने यह दिया था कि प्रधानमंत्री के पास और भी काम है और वो जो है वो एक एक फेडरेशन का, एक एक खिलाड़ी का मुद्दा नहीं सुलझाते रहेंगे, और ये चूंकि बहुत बड़ा मुद्दा है इस वजह से ये लोग जंतर मंतर पर आए हैं, और सभी खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री पर खासा भरोसा है और उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बात जरूर सुनी जाएगी और शायद सरकार जिस तरीके से हरकत में आई है, हालांकि इसको लेकर के कोई जो है वो तथ्य नहीं है, लेकिन जिस तरह सरकार हरकत में आई है वो साफ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का एक प्रोएक्टिव रोल हमने देखा है खिलाड़ियों को लेकर के, कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे वो बातें जरूर रही होंगी। जिस तरीके से सरकार कुछ ही घंटों में, खिलाड़ियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही घंटों में खेल मंत्रालय हरकत में आया है और उन्होंने 72 घंटे में जवाब तलब किया है कुश्ती संघ को। जी बहुत शुक्रिया जनेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।